Hello everyone, so today we have a lecture on electric field dipole, electric dipole and electric field intensity on electric dipoles. Previous kuch lecture mein humne padha tha electric dipole kya hota hai, electric dipole moment kya hota hai and then iska physical significance dekha tha humne aur electric field intensity ko humne calculate kiya tha on the axial line aur jo result tha को याद रखना चाहिए. द फाइनल रिजल्ट विल बी दिस वन. ओके, सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट. और इसको अगर हम लोग आर इज ग्रेटर देन एल लेंगे तो ये रिजल्ट आता था इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू पी बाई आर क्यूब वेयर पी इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ओके, एंड ऑन द एक्सियल लाइन इसके बाद हमने देखा था, है ना, एक्सियल इक्विटोरियल लाइन पे फिर हमने चेक किया. इक्विटोरियल लाइन पे हमने कैलकुलेट कर किया और फाइनल आंसर हमारा हाफ आया था एक्सियल लाइन के कंपैरिजन में. तो यहाँ हमने इंटायर कैलकुलेशन किया था और ये फाइनल रिजल्ट आया. तो ये दोनों जो थे वो दोनों एक्सट्रीम कंडीशन है. मतलब अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हम बनाते हैं, ठीक है, माइनस क्यू ये प्लस क्यू, और एक कंडीशन हम लोग ले रहे थे इसके इस एक्सिस के ऊपर किसी एक पॉइंट पे, आइदर इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल बना के यहां पर किसी पॉइंट, लेकिन अगर मैं किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पे ऐसे जगह पे अगर निकालना चाहूं तो फिर मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा. दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेशन एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, सो यहां पर आप जैसे इसका कंस्ट्रक्शन देख सकते हो, यहां पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें चार्ज है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू और ये एक दूसरे से सेपरेटेड है बाई टोटल लेंथ ऑफ 2L. ठीक है, इसका मिड पॉइंट को मैंने O पकड़ लिया है और एक आर्बिट्ररी पॉइंट है P और यहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस टाइप. इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के जगह हम लोग डायरेक्टली डाइपोल मोमेंट को यूज करेंगे. तो इसके लिए हमें दो चीज पता होना चाहिए जो आपको नोट करना होगा. पहला, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो अगर ये सही है तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो है P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका डायरेक्शन किधर है, इसका डायरेक्शन मैं अगर रेड पेन से इसको शो कर रहा हूं फॉर द टाइम बीइंग, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P. यस और नो, इज इट क्लियर? एकदम सिंपल सोचो, नेगेटिव क्यू से पॉजिटिव क्यू की तरफ जा रहा है. नाउ कंस्ट्रक्शन में इसको डिटेल में आप लिख सकते हो कि पॉइंट पी जो है वो सेंटर से एंगल बना रहा है थीटा. सो फ्रॉम वेक्टर रिजोल्यूशन, वेक्टर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ना, एक हो जाता है जैसे पी वेक्टर होगा तो पी कॉस थीटा बन जाता है और एक बन जाता है पी साइन थीटा. जहां एंगल अटैच रहता है वो पार्ट बन जाता है पी कॉस थीटा और जहां एंगल अटैच नहीं रहता है वो बन जाता है पी साइन थीटा. तो पी कॉस थीटा बन गया ये पार्ट इस डायरेक्शन में और पी साइन थीटा बन गया ये पार्ट इस डायरेक्शन. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और उसको मैंने रिजॉल्व कर दिया दो पार्ट में, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा में. क्लियर या नॉट यहां तक? ऐसा इसलिए किया गया, आप अगर ध्यान से सोचोगे तो अब देखो ऐसा क्यों किया गया, पहले आप समझ लो फिर कैलकुलेशन में जाएंगे हम. ऐसा इसलिए किया गया है कि ये जो पॉइंट पी है अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये पी कॉस थीटा के एक्सियल लाइन पे है. यस और नो? तो सेकेंड पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि पॉइंट पी इज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डायरेक्शन वेक्टर पी कॉस थीटा
एग्री, पी कॉस थीटा जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में पॉइंट पी है तो वो उसके एक्सियल लाइन पे है, और अगर ध्यान से देखो तो पी साइन थीटा के साथ टोटल एंगल क्या होता है रिजोल्यूशन का 90, तो पॉइंट पी जो है वो पी साइन थीटा के इक्विटोरियल लाइन पे है, यस और नो? सो थर्ड पॉइंट यहां हमें ये पता चला कि पॉइंट पी इज ऑन द इक्विटोरियल लाइन। ऑफ पी साइन थीटा, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर होना चाहिए। ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, आपको अगर ये समझ में आ जाएगा तो कोई भी आपसे जरा सा भी मिस्टेक नहीं होगा एग्जामिनेशन। पी का डायरेक्शन पहले हमने लिया, पी को दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा। पॉइंट पी जो है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो पी कॉस थीटा के एक्सियल लाइन पे है और पी साइन थीटा के इक्विटोरियल लाइन पे। अब हमें जस्ट दोनों फॉर्मूला जो था एक्सियल लाइन का और इक्विटोरियल लाइन का उसे यहाँ पर यूज कर लेना है, ठीक है ना? सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं छोटे कुछ स्टेटमेंट जो है मैं थोड़ा सा लिख दूँ। पहला स्टेटमेंट तो आपको पता होना चाहिए दैट एंगल बिटवीन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज 90 डिग्री। पी साइन थीटा और पी कॉस थीटा में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री होता है। सो हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू योर पी कॉस थीटा, ड्यू टू पी कॉस थीटा। चले आओ इधर देखो, पी कॉस थीटा ये रहा हमारा, मैं इसे मार्क करूं। पी कॉस थीटा के वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या होगा, पी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में जा रहा, पॉइंट उसी डायरेक्शन में है तो ये इधर की तरफ होगा, तो हमें एक्चुअली ई वन कैलकुलेट करना है, ठीक है ना? सो हमें यहां पर ई वन कैलकुलेट करना है। तो फिगर में E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4πε0। और यहाँ पर एक्सीएल लाइन वाला फॉर्मूला क्या होता था याद करो, याद आ रहा है आपको? ई एक्सीएल इज इक्वल टू होता था 1/4πε0 2P वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता था ना? अगर नहीं याद आ रहा तो देखो कहाँ देखा था हमने, यस हियर लुक हियर, ये एक्सीएल वाला फॉर्मूला होता था। अगर कोई पॉइंट एक्सीएल लाइन पे है तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। तो पी कॉस थीटा के एक्सीएल लाइन पे है तो मैं ये फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ यूज करके मैं वेक्टर पी के जगह, जस्ट मुझे याद रखना है इस पी के जगह क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा हो जाएगा क्योंकि पी कॉस थीटा कॉम्पोनेंट है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2P कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यू। और यहाँ पे r ऑब्वियसली क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द पॉइंट ओरिजिन पॉइंट, सो ये r है, r यहाँ पर क्या है, r हमारा ये डिस्टेंस, दिस इज r, क्लियर ना? ये क्लियर है। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं फॉर कॉम्पोनेंट पी साइन थीटा, पी साइन थीटा के तो कहाँ पर है, पी साइन थीटा के इक्विटोरियल पॉइंट पे है, तो पी साइन थीटा का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, E2 इधर हो जाएगा और E2 का वैल्यू हमारा मिल जाएगा, इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। सो E2 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, और आपको पता होगा फॉर्मूला दैट E इक्विटोरियल इज इक्वल टू 1/4πε0 वेक्टर पी बाई आर क्यूब होता था, एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ उसी तरह पी के जगह पी साइन थीटा हो जाएगा,
डिवाइडेड बाय आर क्यू। क्लियर? तो एक ई वन वेक्टर मिल गया, एक ई टू वेक्टर मिल गया। ई वन हुआ किस कंपोनेंट के वजह से, पी कॉस थीटा के वजह से, और ई टू किसके वजह से कैलकुलेट किए, पी साइन थीटा के वजह से। अब हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, रिजल्टेंट कैलकुलेट करना होगा ई वन और ई टू का। इसके लिए हमें पता होना चाहिए ई वन और ई टू के बीच का एंगल कितना होगा। सो ऑब्वियसली ई वन जो है वो परपेंडिकुलर होगा ई टू का, क्योंकि हम लोग वेक्टर रिजॉल्व करके एंगल निकाल रहे हैं ना। सो उसके बीच में भी एंगल 90 डिग्री होगा। देखो पी का अगर 90 डिग्री कॉम्पोनेंट है तो ई वन ई टू भी 90 डिग्री ही होगा, ठीक है ना। सो इस कॉन्सेप्ट से अगर हम लोग जाएँ तो हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे, दैट ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू ई वन वेक्टर प्लस ई टू वेक्टर। और इसका फॉर्मूला में अगर आप जाओगे तो ये हो जाएगा ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस टू ई वन ई टू एंड कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री जीरो होता है तो ये इंटायर पार्ट जीरो हो जाएगा। सो आपको बस क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। सो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, 1/4πε0। और ये मैं रीराइट अगर करूँ इसे तो ये सिंपली ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर होगा ना। तो दोनों में क्या कॉमन है, 1/4πε0 दोनों में कॉमन है स्क्वायर। और ई वन हो जा रहा था हमारा 2p1 ये हो जाता था 2π cos θ/r³, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ई टू हो जाएगा 1/4πε0 पी साइन थीटा बाई आर क्यू, और यहाँ भी होल स्क्वायर। अब हमारा क्या होगा, ई मैं इसको ई लिख रहा हूँ रिजल्टेंट डायरेक्टली, मैग्नीट्यूड लिखते हैं सिग्नेचर का जरूरत नहीं है डायरेक्शन का। सो अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूँ ई आर तो 1/4πε0 कॉमन है बाहर निकल आएगा, और क्या कॉमन है हमारे पास, और पी कॉमन है, पी बाहर चला आएगा, है ना। चलो पी भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा रह गया, आर क्यूब भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा रह गया, 4cos²θ प्लस sin²θ। नाउ हमें पता है sin²θ प्लस cos²θ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। सो इसे हम थोड़ा रीराइट कर सकते हैं, 4πε0 इंटू आर क्यू, इसको 3cos²θ प्लस cos²θ प्लस sin²θ लिख सकते हैं। सो साइन और कॉस 1 हो जाएगा। सो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं लिख दूं यहाँ पर, दैट ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1/4πε0 पी बाई आर क्यू रूट ओवर 3cos²θ प्लस 1। Is most important result. And why I call it most important result? The reason is, इस result से आप जो पहले दो calculation किया ना आपने, equatorial वाला और axial वाला, दोनों यहां से हम further investigate कर सकते हैं सही था या गलत था। कैसे कर सकते हैं, देखो case one. फॉर एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन मतलब अगर पॉइंट एक्सियल लाइन पे हो तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस फिगर में आ जाओ। इस फिगर में बोल रहा हूं कि अगर ये पॉइंट, इस पॉइंट को आप यहां से हटा के इस एक्सिस पे ले लेते तो थीटा का वैल्यू जीरो हो जाता या 180 डिग्री हो जाता ना, इस डिरेक्शन और इस डिरेक्शन में लेते। सो एक्सियल लाइन बोलने का मतलब ही होता है, एक्सियल लाइन का मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो कॉस 0 या कॉस 180 का वैल्यू आप बिठाओगे उसका वैल्यू 1 आएगा, और ये फाइनल रिजल्ट जो हो जाएगा फॉर एक्सियल लाइन के लिए बन जाएगा, और ये हो जाएगा देखो 1/4πε0 3 × 1 + 1 = 4, रूट ओवर 4 का वैल्यू 2 आ जाएगा। सो 2π/r³ आ जाएगा, विच इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ एक्सियल लाइन। यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर इसका सेकेंड केस बनाए हम लोग,
for equatorial line, इक्वेटोरियल लाइन के लिए क्या हो जाएगा, फिर वही हमारा कॉन्सेप्ट, इक्वेटोरियल लाइन के लिए थीटा हमेशा कितना होता है 90 डिग्री, और कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो होता है, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो बस आप कॉस के जगह जीरो बिठा दो अबव इक्वेशन में यहाँ पर, तो ई इक्वेटोरियल कितना मिल जाएगा हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो पी डिवाइडेड बाई आर। तो ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, क्योंकि यहाँ से दोनों कैलकुलेट हो जाता है। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो।